जय श्री कृष्ण, जय श्रीमनारायण, जय गोपाल। नागपुर गोरक्षण अनुसंधान केंद्र के तत्वावधान में ये 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा आज तृतीय दिवस में प्रवेश करती हुई व्यास पीठासीन मुरधर भागवत भास्कर परम श्रद्धे पंडित श्रीमान मोहनलाल जी व्यास व्यास पीठासीन हो चुके हैं। इस कथा के प्रमुख यजमान डॉक्टर सौ गंगा देवी एवं श्री डॉक्टर कैलाश जी तापड़िया अपने परिवार के साथ में व्यासपीठ पर विराजमान है। आज के दैनिक यजमान है श्रीमान सत्यनारायण जी मनीष जी नुवाल परिवार। कृपया भी व्यासपीठ पर आए। आप सभी श्रद्धालुजनों से सागर सप्रेम अभिवादन अभिनंदन। वक्त रुकता नहीं, झुकता नहीं, दिखता नहीं, सुनता नहीं। देखते देखते कई महीनों पहले से की गई तैयारियां आज तृतीय दिवस श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करती हुई व्यासपीठ पूजन और आरती के पश्चात आज का तृतीय दिवस का जो विषय है ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र और श्री नरसिंह अवतार, इसकी कथा परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने श्रीमुख से यहां वर्णन करेंगे। मैं श्रीमान महेश जी से अनुरोध करूंगा कि वे शुभ मंगल वाचन आरंभ करने ओ, 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 सुतमाय नमः। सरोक्षरादे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करो श्रीमद्भागवतायं प्रत्यक्ष कृष्णैव हि श्रीकृतो मयानाथ मुक्त्यर्थम् अवसागरे सुखाय नमः। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेनामदज्ञानं विना अदैव्यास भोजनम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप Krishna
रस पिया करो राधे राधे रया करो कृष्ण नाम रस पिया करो ये सुख करनी ये
अपने अपने स्थान को सुशोभित कीजिए, अलंकित कीजिए, विराजमान हो जाइए, सभी शांति से बैठ जाइए। मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि कृपया आप लोग अपने अपने स्थान को सुशोभित कीजिए, अलंकित कीजिए, विराजमान हो जाइए, सभी शांति से बैठ जाइए। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज तीसरे दिन का शुभारंभ और व्यास जी महाराज तीसरे दिन की कथा शुरू करें। बड़ी सुंदर कथा आज आएगी और ठीक 6 बजे के आसपास झांकी का दर्शन होगा, नरसिंह भगवान की बड़ी अलौकिक झांकी है, उसका दर्शन होगा और उसके बाद में स्टेज मंत्र जी आपको सूचना देंगे झांकी के बाद में, और उसके बाद में आरती होगी। तो व्यास जी महाराज तीसरे दिन की कथा शुरू करें, उससे पहले एक छोटी सी रचना, छोटा सा भजन। नारायण वो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा।
रब देखो जमाने इलिया रब देखो इसे चरण के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का तीसरे दिन का शुभारंभ। आप सब एक साथ एक सौ से मंगला चरण बोलेंगे। Mangala, 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 Mang
नमामि भगवत पादं
शांकरमलोक शांकरा मनोजवंग मारुत तुल्य वेगा जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शांति शांति अच्छा भाई आप सब मयश्री भवन के पवित्र प्रांगण में बैठ करके गोरक्षण अपने पितरों के कल्याणार्थ भागवत की कथा सुन रहे हो। आज परीक्षित का तीसरा दिन, गुरु सुखदेव के चरणों में प्रणाम करके कहता है, गुरु जी आज मेरे को ध्रुवे की कथा सुनाओ। आपने सायंबो मनो के पांच संतानें बताई थी, दो लड़कियां, तीन लड़कियां और दो लड़के। उन तीनों लड़कियों का विवाह मैंने कल सुन लिया, देवहूति, आकुति और प्रसूति। आज मेरे को उत्तानपाद की कथा सुनाओ। मैंने सुना है उत्तानपाद के यहां ध्रुवे जी ने जन्म लिया, तो आइए ध्रुवे जी की कथा सुनने से पहले सब परमात्मा और पितरों का स्मरण कीजिए, स्तुति कीजिए। नंदनाय नंद गोप कुमाराय
स्मरण किया हो अभी क्या चल रहा है पितृपक्ष। तुम अपने पितरों के कल्याण के लिए मोक्ष के लिए भागवत की कथा सुन रहे हो। उससे पहले एक पितृ गायत्री है इसका स्मरण किया करो। ध्रुव जी की कथा एक बात आपको बताऊं, ध्रुव की कथा में कोई आया है वो नहीं आया है, उसका आज पुण्य खींच करके लाया है। ध्रुव की कथा कोई पूरी सुन लेता है उस पर भगवान उतनी ही कृपा करते हैं जितनी कृपा ध्रुव पर की थी। जाय उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उत्तान पाद राजा के दो पत्नियां थी, दो रानियां थी, सुनीति सुरुचिस्तयो। एक रानी का नाम था सुनीति, दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति का बेटा ध्रुव हुआ है और सुरुचि का बेटा उत्तम हुआ है। भागवत में बताया है कि राजा उत्तान पाद को ध्रुव की मां सुनीति अच्छी नहीं लगती थी, सुरुचि अच्छी लगती थी। अब उत्तान पाद किसका नाम है, थोड़ा कथा काया में भी समझते रही हो, व्यवहार में भी समझते रही हो और कथा को भी पूरा समझते रही हो। तीन प्रकार से कथा हो रही है अपने यहां, पूरी कथा भी सुन रही हो, उस कथा को अपने जीवन में भी उतारो, व्यवहार में भी उतारो और उस कथा को अपने शरीर में भी घटाते हुए समझना। ये कथा तो भागवत की अपने स्वरूप की कथा है, अपनी काया की कथा है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है, जीव के परमात्मा से मिलने की कथा है। उत्तान पाद शब्द का अर्थ होता है पेड़ है ऊंचा, माथा है नीचा, उसका नाम क्या है उत्तान पाद, पेड़ ऊपर माथा नीचा। तो ये जीव है ना, हम तुम सब उत्तान पाद हैं। जब जीव का जन्म होता है तो पैर ऊपर रहता है और माथा नीचा रहता है। माँ के पेट से निकलते हैं, पैरों से निकलते हैं या माथे से, बोलो। उस समय पैर ऊपर और माथा, पैरों से जन्मने वाला अच्छा नहीं होता है, उसकी शांति करानी पड़ती है। एक टोना जरूर है वो राजस्थान में, कोई पीठ में दर्द आ जावे, कोई चिनक विनक होती है क्या, हाँ उसमें वो पैर से जो जन्मता है वो यदि अपना पैर लगा देवे तो बोलना वो चिनक ठीक हो जाती है, वो तो है उसका।
जीव माँ के पेट से माथे से निकला, इसलिए जीव को जब 100 वर्ष पूरे होते हैं घर से शमशान जाता है ना, वो पैरों से नहीं जाता है, माथे से ही जाता है। मरने वाले की अर्थ ही कभी पैरों से घर के दरवाजे से नहीं निकलती है, बोलो ना, माथे से निकलती है। अब पैर द्वारा अर्थ निकालेंगे घर से वो भी ठीक नहीं, और पैरों से मां के पेट से निकलने वाला भी ठीक नहीं। तो उत्तान बाद हम सब हैं, हमारे को भी भगवान ने 2 फल दिए हैं, एक सुनीति एक सुरुचि, ये हमको भी दिए हैं। उत्तान पाद राजा को सुनीति अच्छी नहीं लगती थी, सुरुचि अच्छी लगती थी, और हम तुमको भी बोलो ना, सुनीति अच्छी नहीं लग रही है, सुरुचि तो अच्छी लग रही है। सुनीति कहती है सवेरे जल्दी उठाकर सूरज उगने से पहले स्नान कर, ये किसी को अच्छी नहीं लग रही है, ये सुनीति पर चलना बहुत कठिन है। और सुरुचि सबको अच्छी लगती है, जब चाहे 8 बजे 9 बजे उठ, ये सुरुचि है। उठ के कुल्ला दानन करे बिगरे ही बोलो ना, क्या कहते हैं बेटी, ये अच्छी लग रही है। सुरुचि कहती अरे, सुनीति कहती अरे मानव तन मिला है, स्नान करके तुलसी जी ले चरणामत ले, ये अच्छी नहीं लग रही है। और सुरुचि कह रही है ना कुल्ला करना दांतन कर बेटी सेठी पान प्राग बोलो ना खेणी कचरा ये खा, ये सब अच्छी लग रही है। जीव सुरुचि में फंस गया है, और सुरुचि को जीव अपनाता है तो विषयानंद उसको मिलता है, और सुनीति को जीव अपनाता है उसको परमानंद मिलता है। अब आज इस कथा में बैठ के ये विचार करो, हमारा मन सुरुचि में फंसा है या हमारा मन सुनीति में फंसा है। सुरुचि में फंसाए धीरे धीरे सुरुचि को छोड़ो, सुनीति को अपनाओ। सवेरे जल्दी उठो, सुनीति कह रही है, स्नान करके तुलसी जी ले, सुनीति कह रही है, मानव तन मिला है थोड़ा प्रभु का चिंतन करो, ब्राह्मी मूर्ति चिंतोथाये चिंतये तरघुनंदना, अभ्यास करो। और राजा उत्तान पास सुरुचि के पास बैठा है, क्योंकि उसको अच्छी लग रही है। 5 वर्ष का ध्रुव देख रहा है राजा की गोद में उत्तम भैया बैठा है, सुरुचि का बेटा। ध्रुव क्या करता है, विचार करता है मैं भी पिता की गोद में बैठूं, क्योंकि मेरा भैया उत्तम भैया बैठा है। बालकों में देखा देखी बहुत होती है, देख लेना घरों में भी, एक छोटा सा बालक है ना, कोई दादी माँ के गोद में बैठा हुआ होता ना, तो दूसरा बोलो ना बालक देखेगा ना, वो दौड़ करके दादी माँ की गोद में बैठेगा, तब वो कहेगा दादी माँ मेरी है, वो कहता है दादी माँ। ऐसे महाराज ध्रुवे भी दौड़ के पिताजी मेरे हैं बैठ गया। पास में सुरुचि बैठी है, वो सुरुचि के जचा नहीं, सुरुचि तो जचे वो काम करी। उसी समय ध्रुवे का कान पकड़ दिया, पिता की गोद से नीचे उतार के कहा, वत्स पुत्र ध्रुव, तो इस
पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों माँ? का तेरी माँ का नाम बोलो ना सुनीति है, इसलिए नहीं बैठ सकेगा। और पिता की गोद में बैठना है ध्रुव, ये शरीर छोड़ दे, मेरे कोख में आ और फिर मेरे से जन्म ले, मेरा दूध पिएगा, तब पिता की गोद में बैठने का अधिकारी। महाराज ये ध्रुव के विमाता के वचन रूपी बाण बोलना ध्रुव के हृदय में लग गए। बाण की पत्नी का क्या नाम है बोलो है? भागवत बहुत सुनी है ना। अच्छा सर्प की पत्नी को क्या कहते हैं? सर्प की पत्नी को कहते हैं सर्पिणी, बोलते हैं ना सर्पिणी। ऐसे ही बाण की पत्नी का नाम है बोलो बाणी। एक बात आपको बताऊं, सर्प का डसा हुआ व्यक्ति जिंदा रह सकता है, हाँ उसका झाड़ा भी है, उसका इंजेक्शन भी है, वो जल्दी मरता नहीं है। लेकिन जिसको सर्पणी डस देती है वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? सर्प से 100 गुना अधिक जहर सर्पणी में होता है। ऐसी बाण का घाव मिट सकता है लेकिन बाण की पत्नी बोलो ना बाणी का घाव नहीं मिटता है। 20-25 वर्ष पुराना घाव भी हरा हो जाता है। कब होता है? जब जेठानी के छोरे का विवाह होता है ना बेटे का, तब देराणी का 25 वर्ष का घाव है ना हरा हो जाता है। उस समय वो जेठानी से क्या कहती है? जेठानी जी थे मने 25 वर्ष में ली जकी बात सुनाई मरहाल कांजे में लागेड़ी पड़ी है। बोलो बरात चढ़ रही है, बाणी से क्या कह रही है? यह है बाणी का गाव। बाण का घाव मलम पट्टी करते ही मिट जाएगा। चक्कू से सब्जी काट रहे हो अंगुली कट जाती है, ठीक हो जाती है, लेकिन बाणी का घाव। आज विमाता के वचन रूपी बाणी का घाव हृदय में लग गया। ध्रुव रोता हुआ माँ के पास गया, सारी बात बताई। माँ मैं पिताजी की गोद में बैठा। माता सुरुचि ने कान पकड़ के मेरे को कह दिया इस गोद में तो नहीं बैठ सकता, तो सुनीति का बेटा है। कासो का इतना कह दिया ये शरीर छोड़ मेरी कोख में आएगा, मेरा दूध पिएगा, तब पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ऐसे कह के ध्रुव रो रहा है। सुनीति क्या कह रही है? अरे बेटा ध्रुव रो क्यों रहा है? पिता की माई का गोद है, नष्ट होने वाली गोद है, इसके लिए इतना रो रहा है? जा मेरा आशीर्वाद तेरे को दे रही हूं, तेरे को पिता ने गोद में नहीं बैठे आया, तेरे को परमात्मा गोद में बिठाएंगे, मेरा आशीर्वाद। जा बेटा जंगल में चला जा, साधना का, तेरे को पिता की गोद परमात्मा की गोद मिलेगी। मां का आशीर्वाद ले लिया है सुनीति। ये ध्रुव को परमानंद का दर्शन कराएगी। देखो ध्रुव सुनीति को बना रहा है और सुरुचि राजा को विषयानंद दे रही है। जंगल में नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा, ध्रुव ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा रे ध्रुव
मेलों में रहने वाला, जंगल में। ध्रुव कहता है गुरुजी अब मैं जंगल में ही रहूंगा। क्यों? तपस्या करूंगा, परमात्मा की गोद में बैठूंगा। नारद जी ने यहां बहुत समझाया है, ध्रुव देख जंगल में हिंसक जानवर है, तेरे को खा जाएंगे, फिर भूख लगे के क्या खाएगा, प्यास लगे के क्या पिएगा। ध्रुव कहता है माँ का आशीर्वाद है, मैं परमात्मा की गोद में बैठूंगा। नारद जी देना है तो कोई ऐसा मंत्र दे दो कि मेरे को परमात्मा का दर्शन जल्दी हो जाए। नारद जी ने विचार किया ध्रुव को ऐसा मंत्र दे दूं कि फिर माँ के स्तन का पान न करना पड़े। 12 अक्षरों का मंत्र दिया। ये मंत्र बड़ा प्रभावशाली है। हमारे यहां 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, स्मृतियां भी है, लेकिन ये 12 अक्षरों वाला मंत्र जो नारद जी ने दिया है ध्रुव को ये केवल भागवत में मिलता है। इस मंत्र की साधना करो। ये मंत्र ऐसा है तुम रात्रि में बोल के सोओगे दुःस्वप्न नहीं आएगा। ये मंत्र ऐसा है घर से 3 बार बोल के निकलोगे कोई अघटना नहीं घटेगी। ये मंत्र ऐसा है कि तुम दुकान में गद्दी पर बैठ के बोलोगे तुम्हारे व्यापार में वृद्धि करेगा। ये मंत्र ऐसा है किसी के ऋण हो जावे इस मंत्र का जप करो, ऋण भार प्रहरणम, ये ऋण को उतार देता है। ये मंत्र ऐसा है कि कोई डिप्रेशन में पड़ा है, कोई असाध्य रोग लगा हुआ है, तुम डॉक्टर पर विश्वास करते हो, हमारी भागवत पर विश्वास करते, पक्ष चल रहा है, तुम भागवत सुनने बैठे हो, आज नेम ले लो कि इस मंत्र को हम 11 बार जरूर बोलेंगे। कितनी बार? 11 बार। ये कोई 11 बार बोल देता है तो शरीर की ये 11 इंद्रियों को पवित्र कर देता है। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 1 मन। तो वही साधना करना, नैव लेना। सवेरे करो तो बड़ी मौज है, नहीं तो सोते समय कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इस मंत्र से ही तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
वासुदेवाय मंत्र की साधना किया करो। ध्रुव कैसी साधना करेगा देखा, कैसे इस मंत्र के प्रभाव से वो ध्रुव परमात्मा का दर्शन करेगा। नारद जी ने कह दिया ध्रुव मधुबन में चला जा, इस मंत्र की साधना कर। ध्रुव नारद जी के बाहर कर परिक्रमा करके मधुबन की तरफ जा रहा है, पीछे से नारद जी आवाज लगा रहे हैं, वो ए ध्रुव रुक। ध्रुव पीछे देखता है, बोलो गुरुजी। अरे वत्स ध्रुव चेला, मंत्र तो तुमने ले लिया, आसन तो ले जा। कौन से आसन पर बैठ के इस मंत्र का जप करेगा? ध्रुव क्या कहता है, गुरुजी आपके चेले ध्रुव को आसन की जरूरत नहीं है, आपका चेला ध्रुव आसन पर बैठ के साधना नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा, आपका चेला ध्रुव तो एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के तपस्या करेगा। ध्रुव ने क्या किया है, मधुबन में जाके लगन भगवान से लगा ली। साधना कर रहा से मत छोड़ना, ओ प्यारे
कपिता बद्रासन पहले महीने में तपस्या कर रहा है, तीन दिन तक ने खा रहा है न पी रहा है। ओम नमो भगवते। और जय तीन दिन पूरे हो जावे, चौथे दिन एक मुट्ठी बेर खा के ऐसे महीने को व्यतीत कर दिया। दूसरे महीने में द्वितीयं च नयन मासं षष्ठे षष्ठे प्रकोर दिने, दूसरे महीने में छह दिन नहीं खाऊं, देखो तपस्या। और छह दिन पूरे हो जावे, एक मोटी सूखे पत्ते खाते गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ना। दूसरा महीना भी व्यतीत कर दिया। तृतीयंच तथा मासं नवमे अनि, बड़ी सावधानी से सुनना ध्रुवे की तपस्या। तीसरे महीने में नौ दिन खाना न पीना, नौ दिन पूरे हो जावे एक अंजलि पानी भी के रहना, फिर नौ दिन तीसरे महीने को व्यतीत किया। चतुर्थ वही मास चतुर्थ मपी वही मास षष्ठे षष्ठे भृकोर दिने, चौथे महीने में कैसी समस्या। द्वादशे द्वादशे हनि बारह दिन तक न खाना है न पीना है न श्वास लेना है, और बारह दिन पूरे हो जावे एक बार श्वास ले लेना, ओम नमो भगवते। ऐसे महाराज चौथे महीने को व्यतीत कर दिया। पांचवे मास शनो प्राप्त महीना लगा, ध्रुवे ने श्वास को रोक दिया, त्रिलोकी की श्वास रुक गई। महाराज चंद्र जी इंद्र जी वायु जी कुबेर जी यमराज जी सारे दौड़े दौड़े बैकुंठ में गए, भगवान श्वास नहीं आ रही। भगवान ने कह दिया सुनीति का बेटा ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसने श्वास रोक की है, जब तक मेरा वो दर्शन नहीं करेगा तब तक श्वास नहीं लेगा, जब तक वो श्वास नहीं लेगा तब तक तुमको श्वास नहीं आएगी। देवता कहते हैं भगवान जल्दी जाओ, ध्रुवे को दर्शन देके आओ, तपस्या ऐसी करो कि भगवान के पास देवताओं को जाकर के कहना पड़े भगवान भक्त को दर्शन दो। भगवान गरुड़ पर चढ़ के आए, ध्रुवे की आंखें बंद है, वो तो भगवान को हृदय में देख रहा है। भगवान को कहां देख रहा है, हृदय में, आंखें बंद ध्यान कर रहा है। ध्यान करना आता है, बोलो। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक जैसे हो जावे,
ध्यान कहते हैं भगवान के एक एक अंग का दर्शन करना। हाँ तो मंदिर जाना, मंदिर जाके भगवान का दर्शन करो, ध्यान करो एक एक अंग का। देखो भगवान के चरण कैसे हैं, फिर देखो भगवान के कितने हाथ हैं, कौन से हाथ में शंख है, कौन से हाथ में चक्र है, कौन से हाथ में गदा है, कौन से हाथ में पुष्प है, भगवान के मुकुट कैसा पहना हुआ है, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान की नासिका कैसी है, एक एक अंग का दर्शन करो। मंदिर में आंखें खुली रखना हो और घर में आंखें बंद करना, समझ रहे हो ना। मंदिर में कहीं जाके आंखें बंद कर लेते हैं, अब आंखें बंद कर लोगे तुम ध्यान कैसे करोगे। ध्यान तो कहते हैं एक एक अंग का दर्शन करना। आंखें खुली होगी, देखेंगे कौन से हाथ में चक्र है, कौन से हाथ में गदा है, कौन से हाथ में शंख है, कौन से हाथ में पुष्प है। ये आंखें खुली रखोगे तब दिखेगा ना। कई वर्ष पहले मैं कलकत्ते में कथा कह रहा था, मेरी कथा में बोलो ना 5 मिनट की तो बहुत है, 2 मिनट की हेराफेरी नहीं है, ये ठीक समझ लेना। 2:30 बजे तो 2:30 बजे ही हम तो गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो कथा के अंदर हम बैठ गए, अब मुख्य यजमान आया नहीं, और मुख्य यजमान आए बगैर कथा चालू, बोलो ना कैसे करें। सुन रहे हो तापड़िया जी, और आवे या नहीं आवे समय पर मुख्य यजमान को पहुंचना चाहिए। 15-20 मिनट लेट हो गई महाराज कथा। अब आया, मैंने कहा अरे भैया मुख्य यजमान हो, देर हो गई, समय का ध्यान रखा करो। कहता है गुरु जी मैं लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में चला गया, वहां थोड़ा ध्यान करने बैठ गया, देर हो गई पता नहीं लगा ध्यान में। वो ये तो बहुत बढ़िया है, कितने बरसों से लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाता है। और मेरे को कहता है 36 वर्षों से। कितने वर्षों से गुरुजी? 36 वर्षों से मंदिर जाता हूं। कभी आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, कलकत्ते में रहता हूं, मंदिर का भगवान का दर्शन के बगैर कभी रोटी नहीं खाता। मैंने कहा अच्छी बात है, अच्छा अरे थोड़ा वहां 10 मिनट ध्यान भी करता हूं। मैंने कहा 36 वर्ष हो गए तेरे को, तो बता भगवान नारायण के कौन से हाथ में चक्र है, कौन से हाथ में गदा है, कौन से हाथ में शंख है, कौन से हाथ में पुष्प है, बोल। 36 वर्षों से जा रहा है और दर्शन कर रहा है, मेरी तरफ देख के कहता गुरु जी बोलो ना, ये तो मैंने नहीं देखा, ये 36 वर्ष मंदिर जाने वालों का ये हाल है। क्यों मंदिर के अंदर अंग अंग का ध्यान नहीं हो रहा है? मंदिर में आंखें बंद कर लेते हैं, घर में आंखें खुली रखते हैं। ये तुम्हारी भागवत कह रही है, मंदिर में आंखें खुली रखो और घर में आंखें बंद करो। मंदिर तो जाते हैं, दर्शन करके भी आते हैं, और बाहर निकलते कोई मिल जाता है, कहां गए थे? कहा ठाकुर जी का दर्शन करने गए। कहा दर्शन हुआ? बहुत बढ़िया दर्शन महाराज जी, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। और अगला व्यक्ति पूछते ठाकुर जी के पीताम्बर कौन से रंग का पहना हुआ था? झटके कह लियो पीताम्बर तो देखी कौन। एक एक अंग का दर्शन। फिर जिस मंदिर में गए हो, सवेरे घर में जल्दी उठ के आसन पर बैठ के आंखें बंद करके उस मूर्ति के अंग अंग का दर्शन करो, दिखाई देगा तुमको।
एक एक अंग दिखेगा। और आंखें बंद कर दो और ध्यान करो। कैसे करो ध्यान? सर्वप्रथम भगवान के चरणों का ध्यान करो, फिर भगवान की चरणों की अंगुलियों का ध्यान करो, फिर भगवान के घुटनों का ध्यान करो, फिर भगवान के पीताम्बर का ध्यान करो, फिर भगवान के कटिप्रदेश का ध्यान करो, फिर आगे चलो भगवान की नाभि का ध्यान करो, फिर आगे चलो भगवान के पेट का ध्यान करो, फिर आगे चलो भगवान के चारों हाथों का दर्शन करो, फिर आगे चलो भगवान के दाहिने हाथ के ऊपर चक्र चल रहा है, चक्र का ध्यान करो, नीचे गदा है, गदा का ध्यान करो, फिर बाएं हाथ में ऊपर शंख लिया हुआ है, शंख का ध्यान करो, फिर दाहिने हाथ में नीचे पुष्प है, पुष्प का ध्यान करो, फिर आगे चलो भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करो, फिर आगे चलो भगवान के कंठों का ध्यान करो, फिर आगे चलो भगवान के गले में सुंदर सौम्य माला पहनी हुई है, माला का ध्यान करो, फिर आगे चलो भगवान मंद मंद मुस्करा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी का ध्यान करो, अधरों का ध्यान करो, फिर आगे चलो कपोलों का ध्यान करो, आगे चलो नासिका का ध्यान करो, आगे चलो आहा भगवान के कानों में कुंडल झलक रहे हैं, कुंडलों का ध्यान करो, आंखों का ध्यान करो, आगे चलो त्रिकुटी का ध्यान करो, आगे चलो भगवान के ललाट का ध्यान करो, ललाट में तिलक लगा है, तिलक का ध्यान करो, आगे चलोगे तो मोर मुकुट बंसी वाले की। ऐसे ध्यान किया जाता है। ध्यान हमेशा नीचे के अंगों से करके और ऊपर तक एक एक अंग को दर्शन करते हुए बढ़ो, फिर सारे अंगों को छोड़ के मुख को पकड़ लो, इसका नाम है धारणा। बोलो, बोलते हो ना, ध्यान और धारणा। ध्यान एक एक अंग का और धारणा मुख को पकड़ लो। मुख को मन से पकड़ना, धारणा मन से पकड़ लो। और मन की गति और पानी की गति हमेशा एक जैसी रहती है। सावधान, बोलो, मन की गति पानी की गति एक जैसी है। जैसे पानी हमेशा नीची जगह जाता है, ऐसे ही हमारा तुम्हारा मन हमेशा नीची जगह जाएगा, क्योंकि पानी का स्वभाव है नीची जगह जाना, और मन का स्वभाव भी बोलो ना नीची जगह जाना। पानी को ऊंचा एक यंत्र मोटर होती है उठा देती है, 25 मंजिल ऊंचे पहुंचा देती है पानी। जैसे नीचे गिरे हुए पानी को यंत्र ऊंचा उठा देता है, ऐसे ही नीचे गिरे हुए मन को मंत्र ऊंचा उठा देता है। बोलो ना, ओम नमो भगवते। ये जो तुम्हारा मन नीचा जावे, साधना करो, जो नीचा जावे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे बोलते हो। ध्रुव हृदय में देख रहा है, मन ऊंचा उठ जाएगा। जिसको तुम मंदिर में खोज रहा हो, तेरे मन मंदिर में मिल जाएगा। जिसको बाहर खोजन जावे, बाहर खोजा हाथ न आवे, मन की गुंडी झटपट खोल, केशव माधव गोविंद। कब दिखेगा हृदय में? मन को ऊंचा उठा। ध्रुव को भगवान ने कहा, अरे बेटा ध्रुव, मैं आ गया हूं। ध्रुव ने आंखें खोली, भगवान का दर्शन किया। कौन सी आयु में किया बताओ? कोई पूछ लेगा, भागवत सुन के आयो हो। ध्रुव को भगवान ने दर्शन कौन सी आयु में किया? 5 वर्ष और 5 महीने, क्योंकि 5 वर्ष का तपस्या में बेटा और 5 महीने तपस्या की। और कैसे की वो भी याद रखना, पहले महीने में क्या खाके की, कितने दिन पुकारा बता चुका। अब ध्रुव कुछ बोलना चाहता है, भगवान आगे खड़े, बोलूं क्या? भगवान ने ध्रुव के गालों पर शंख का स्पर्श किया। कपोले वस्ती वाणी,
कपोले बसते बाणी बाणी हमेशा तुम्हारे गल में रहती है। बोलो बाणी कहाँ रहती है? गालों में, गाल में छेद कर दो महाराज, बोला नहीं जाएगा। चिंता हमेशा तुम्हारे नाक में रहती है। ब्रह्मा जी ने चिंता की उत्पत्ति की कहां बिठाया? शरीर में, नाक में। भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने चिंता उत्पन्न की, उस समय चिंता को नाक में बिठाया। हाँ देख लेना, चिंता आते ही तुम्हारा हमारा हाथ नाक पर जरूर जाएगा, और ज्यादा चिंता आ जाएगी ना, कोई ऐसा बैठे रहना ऐसा चुपचाप समझ लेना बेचारा बहुत चिंता में। ब्रह्मा जी ने काम को आंख में बिठाया। हमारे तुम्हारे शरीर में काम कहाँ रहता है? बोलो, आंख में रहता हूं। आंख पहले बिगड़ती है, मन बाद में बिगड़ता है। पहले पाप आंख में आता है, उसके बाद मन में जाता है। जिसकी आंख पवित्र नहीं, उसका मन पवित्र नहीं होता है। आंख से जो ठाकुर का दर्शन कर दे, आंख पवित्र। फिर क्रोध को ये सब यही आ रहा हो भागवत में। क्रोध को भगवान ने भ्रिकुटी में बिठाया, ब्रह्मा ने। क्रोध हमारे तुम्हारे शरीर में कहां रहता? बोलो, भ्रिकुटी में। ऐसे तुम भ्रिकुटी को खींच के बताओ नहीं खींचेगी, और क्रोध आते ही धनुष की तरह खींच जाएगी। बोलो यस। फिर ब्रह्मा जी ने लोभ को कहां बिठाया? बोलो, लोभ को ऊपर के होठ में बिठाया। हमारे तुम्हारे शरीर में लोभ कहां रहता? बोलो, ऊपर के होठ में। और लोभ आते ही ऊपर वाला होठ ऊपर जाता है वो। अरे हमारे घर में विवाह हो, किसी दुकानदार के पास जाएंगे, उसको पता लगेगा इसके घर में विवाह है, साड़ियां वाड़िया बहुत लेगा, तो चट बोलो लोभ आते क्या? बोलो बोलो, ठंडा लोगे के ताता लोगे गर्म लोगे, बोलो बोलो, कहते ऊपर वाला होट ऊपर जाता है वो लोभ आते। फिर ब्रह्मा जी ने लाज, लाज भी उत्पन्न की है। लाज, ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा है। लाज भी उत्पन्न की, लाज को नीचे वाले होठ में बिठाया। कोई पूछ लेगा बताओ लाज कहां रहती है शरीर में? बोलो बोलो, नीचे के होठ में। अरे नई नई बीन नहीं आती है सासरे में और ससुराल में, उसको लाज आती है नहीं आती? पहल बहुत आती है, झट मुख में नीचे वाला होठ देती है। हाँ, बहू को लाज आवे ना नीचे वाला होट। भाई आजकल बहू लेवे को लेवे नहीं, सास जरूर नीचलो होट मुख में लेवे महाराज। लाज आवे तो सास को आवे महाराज, बहुओं को नहीं आती है आजकल वो। लेकिन ये ध्यान रखना, लाज हमेशा, शर्म हमेशा नीचे के होट में लेती है। धर्म को उत्पन्न किया हृदय से, हृदय में धर्म रहता है, और जिसके हृदय में धर्म रहता है ना, इसलिए हृदय में भगवान आते हैं। ध्रुव किसको देख रहा है हृदय में? बोलो, भगवान को देख रहा था हृदय में धर्म, और जहां धर्म है वहां भगवान है। पीठ में अधर्म रहता है, पीठ में ब्रह्मा ने अधर्म को बिठाया, इसलिए ठीक समझा इसको, हृदय में धर्म है ना, हृदय हमारा हमको दिख रहा है, इसलिए हम धर्म का काम करते हैं, दिख जाता है हमको,
हम बातों ही बातों में कह देते, हमने धर्मशाल बनाई, हमने गौशाल बनाई, हमने कुआं बनाया, हमने बाड़ी बनाई, हमने मंदिर बनाया, हमने गरीब कन्याओं का विवाह किया, हमने गौशाला में इतना दिया, ये यहाँ दिख रहा है। अधर्म पीठ में रहता है, पीठ दूसरे की दिखती है, वो अपनी नहीं दिखती है। दूसरे के पीठ देखते ही अधर्म पाप दूसरे का हम प्रकट करते हैं, देखो इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये पाप किया, इसने ऐसा काम किया, क्योंकि अपना पाप का कार्य पीठ पर है, अपना धर्म का कार्य, पाप का कार्य दूसरे के पीठ देख करके हम ढिंडोरा पीट देते हैं, क्यों अपना पाप पीठ में रहता वो दिखता नहीं, अपना धर्म हृदय में रहेगा। कपोले बसते वाणी, थोड़ा बता दो ना, काया की कथा है, थोड़ा बताओ बताओ, पानी शरीर में कहाँ रहती है, जल्दी बताओ, अभी बता क्या, देखो देखो भैया से गालर हाथ लगावे, पता तो लग रहा है, चिंता नाक में, काम आंख में, क्रोध बोलो भ्रिकुटी में, लोभ ऊपर के होठ में, लाज नीचे के होठ में, धर्म हृदय में, अधर्म, देखो भाई सगला हाथ लगा लगा बता दियो भाई, मन में डर लगे, मैं जानो फिर मारी जगह मत बैठ से आना, सारा याद हो गया, यही तो भागवत है। अब भागवत के अंदर कितना क्या क्या रहस्य भरा पड़ा हुआ है, और अपनी काया की कथा उसको छोड़ रहे हैं, इस अमृत को छोड़ के बाहर का झेर पी रहे, इधर उधर की बातें बोलो ना, फिल्मी गाना गा लिया, नाच लिया, हाँ आजकल महाराज वक्ताओं को जिसको 25-30 भजन याद हो जावे ना फिल्मी गाने पर, बस भागवत हो जाती है वो, ये पितृ कल्याण के लिए भागवत हो रही है, ये गौ माता के लिए भागवत हो रही है, शंख लगाया भाई बोला नहीं जा रहा है, शंख लगते ही महाराज ध्रुव बोलता है, यौंते प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता, यौंते प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता, संजीवयत्य किल सत्रिदर स्वधाम्ना, अन्यास्त हस्त चरण स्वर्ण त्वदादी, नारायण नमो भगवते पुरुषाय। एक बात बताऊं माताओं बहनों भाइयों, तुम्हारा बच्चा तो तलाती भाषा में बोल रहा है, वाणी स्पष्ट नहीं है, तुम सवेरे बच्चों को स्नान करा के और ठाकुर जी के आगे शंख पढ़ाओ, शंख को गालों पर लगाओ, जाओ तुम्हारा बालक 6 महीने में स्पष्ट वाणी में बोलने लग जाएगा। डॉक्टर पर विश्वास करते हो थोड़ा भागवत में ही कर लो। शंख लक्ष्मी का बड़ा भाई है, शंख लक्ष्मी के क्या लगता है, बड़ा भाई। अब विचार करो, घर में शंख रखते ही नहीं है, और सोच रहे हैं हमारे घर में लक्ष्मी आए, कैसे आएगी, लक्ष्मी को बुलाना है घर में शंख रखा करो। बद्रीनाथ केदारनाथ रामेश्वरम श्रीरंगम, सब जगह जाओ ना तीर्थों में, शंख घर में लाओ, यदि तुम्हारे घर में शंख रहेगा महाराज राखड़ी पुण्यो के दिन लक्ष्मी अपने भाई के राखी बांधने जरूर तुम्हारे घर आएगी। यदि तुम्हारे घर में शंख है बोलो ना, भाई दूज के दिन बोलो ना, लक्ष्मी जरूर आएगी। घर में शंख नहीं है तो लक्ष्मी भी नहीं है। शंख ध्रुव को भगवान ने कह दिया, ध्रुव तेरी तपस्या से गूंज रहा है, ठीक है, तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न,
स्तुति से भी बहुत प्रसन्न। आप पिता की नगरी में चला जा, 36,000 वर्ष तक तो राजा बाण, कितने वर्षों तक बोलो ना, 36,000 वर्षों तक। ध्रुव कहता है मेरे को राजा बनने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं राजा बनना नहीं चाहता हूं। भगवान कहते हैं तो बनना नहीं चाहता है, मैं तेरे को बना हुआ देखना चाहता हूं। 37,000 वर्ष तक ध्रुव राजा बन रहा है। युग कौन सा था बोलो, संध्या मिट देना, भागवत हर संध्या को मिटती है। युग कौन सा था? सतयुग। सतयुग में हमने कल मनुष्य की आयु कितनी बताई थी बोलो, 1,00,000 वर्ष कल ही बताया, इसलिए कह दिया 37,000 वर्ष तक राजा। त्रेता में कितनी आयु बताई थी? 10,000 वर्ष। द्वापर में कितनी आयु बताई थी कल मनुष्य की? 1,000 वर्ष। कलयुग में कितनी आयु बताई थी? 100 वर्ष। और 100 कैसे हुए थे वो सारा याद रखना ना, गधे वाली आयु बोलो ना, बेल वाली, ऊंट वाली, कुत्ते वाली, पूरा याद रखना, हर संध्या मिटता जाएगा। 6 महीनों से ध्रुव क्या करता है, पिता की नगरी में आता है। किसी ने राजा से आगे कह दिया तेरा बेटा ध्रुव आ गया। सुनीति सुरुचि को राजा आगे लाया। ध्रुव ने देखा आबाल वृद्ध जन मेरी अगवानी कर रहे हैं। अब ध्रुव क्या करता है, देखता है इधर माँ सुनीति खड़ी है, इधर सुरुचि खड़ी है। अब विचार करके बताना ध्रुव पहले प्रणाम किसको करेगा, सुनीति को करेगा या सुरुचि को करेगा? सुरुचि को पहले प्रणाम कर रहा है, कान पकड़ने वाली को। मां तेरे ही कारण मेरे को भगवान का दर्शन हुआ, यदि उस दिन तो तिरस्कार नहीं करती तो मेरे को भगवान का दर्शन नहीं होता। ज्ञानी जन हमेशा तिरस्कार में सार निकालते हैं, अज्ञानी जन हमेशा सार में असार निकालते हैं। तुम्हारे घरों में तिरस्कार हो तुम समझो प्रभु की बोध कृपा है, बिगर तिरस्कार हुए बिगर तुम उत्थान नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जेठानी तिरस्कार कर ले देरानी को दुखी नहीं होना चाहिए, देरानी तिरस्कार कर दे तो जेठानी को, सास तिरस्कार करें तो बहू को नाराज नहीं होना है। तिरस्कार ऐसा है और उत्थान की तरफ ले जाता है। परिवार के अंदर तो निष्ठा अपने पति से रखना, प्रतिष्ठा पूरे परिवार को देना, और तिरस्कार को तुम सहन कर लोगे जाओ तुम्हारा घर कभी गमला नहीं बढ़ेगा, तो प्रेम की क्यारी बन जाएगा। तिरस्कार को सहन कर। ध्रुव ने फिर मां को प्रणाम किया, फिर पिताजी को प्रणाम किया। अच्छा बताओ माता पिता दोनों खड़े हो, पहले मां को प्रणाम करना चाहिए पहले पिता को बोलो, हैं? आयु में कौन बड़ा है, हैं? पिताजी। और प्रणाम किसको कर रहे हो, माँ को। और हमेशा बोलते भी हो तुम्हें वो माता चपिता तमेव है, पहले माँ को प्रणाम फिर पिता को प्रणाम। क्यों? माँ का वात्सल्य होता है, पिता का वात्सल्य नहीं होता है। वात्सल्य किसको कहते हैं, गाय जाती है बछड़ा लाती है कितना गंदगी में रहता है फिर भी गाय उसको जीव से चाटती है, ज्यो चाटती है गाय का स्तन भर जाता हो, ऐसी प्रत्येक माँ का वात्सल्य होता है। 5,000 की माँ के साड़ी पहनी हुई रहेगी ना,
और छोटा सा बच्चा बोलो ना शिशु करेगा, माँ को क्रोध आएगा क्या? बोलो ना, जट कहेगी, मलमूत्र भी कर देगा ना, तो कहेगी अरे मुन्ना बेटा गंगा जल मुन्ने ने किया पिसाब, माँ के लिए गंगा जल। बोलो ये माँ का वास है। और कभी पेंटेट कोटेट सूटेट बूटेट पहने हुए बोलना पिता के गोद में बेटे को दे दो और सुसु कर देगा उसी अरे अरे तारीख ले इसका है तेरा नहीं है क्या? पिता के ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे तीन काम करते ही। एक तो मरे हुए पिता को तो हम शमशान भूमि तक कंधा दे दो, दूसरा शमशान भूमि में अग्नि दे दो छिता में, तीसरा कपाल क्रिया करके 11 दिन पिंड दान करके 12वें दिन पिता के निमित्त 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दो। ये तीन काम करते ही तो पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगे, लेकिन माँ के ऋण से नहीं। कहां तक कहें, पुत्र चाकू लेके चमड़ी उतार के माँ को जूती बना के दे देगा ना, तो भी माँ के ऋण से नहीं और मुक्त नहीं, माँ के ऋण से हो ही नहीं। थोड़ा 5 मिनट सवेरे ध्यान करते हो ना, थोड़ा पितृपक्ष चल रहा है, माँ का भी ध्यान किया करो, विचार करो हमारी माँ ने हमारे लिए कितना कष्ट सहन किया, 9 महीने उसने पेट में रखा कितना कष्ट, जन्म के समय कितनी वेदना, 2 वर्ष तक कैसे मलमूत्र को धोया, कैसा वात्सल्य। माँ का बेटा लुल्ला हो लंगड़ा हो अंधा हो, लेकिन माँ के लिए वो लुल्ला लंगड़ा अंधा भी हिवड़े का हार है, माँ को कभी लाज नहीं आती है बच्चे की। मैं कथा करने जाता हूं, कई कई माताएं 12-12, 15-15 वर्ष के बेटों को गोद करके गोद में लेके आती है, रोती है गुरुजी मरो छोड़ो कने शादी की, देखो पिता को लाज आती है माँ को नहीं आती है। माँ पढ़ाती है, अपना जेवर दे के पढ़ाती है, विवाह करती है कैसा, और जब तक हम स्कूल से नहीं आते हैं तब तक माँ ने रोटी नहीं खाई है, बताओ। और आज घरों में माताओं की क्या दशा, बूढ़ी बूढ़ी माताएं रोती रहती है, भोजन का नहीं कोई पास में बैठने वाला ही नहीं, बुढ़ापे में मेरे भाई माँ को अच्छा भोजन नहीं चाहिए, वो हलवा नहीं मांग रही है, अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, बुढ़ापे में माँ के पास तुमको बैठने की जरूरत है, थोड़ा माँ के पास बैठा करो, माँ से पूछा करो, माँ तेरे दांत नहीं है, तेरे लिए नरम खिचड़ी बनाऊं या नरम रोटी बनाऊं, इतना सब कुछ थोड़ा बेटा करो माँ के पास, कैसी हमारी माँ, हमारे लिए क्या क्या नहीं किया उसने, हमको बुखार आया जीवन की पोती खोलोगे तो पता चलेगा, रात्रि में माँ नींद नहीं लेती थी, वो सिराने बैठी रहती, उस माँ ने हमारे लिए कितनी सवावणियां बोली, मेरा बेटा सीताराम ठीक हो जावे, हे भैरव बाबा स्वामी, हे साला श्री हनुमान जी, बोलो ना कैसे कैसे माँ हाथ फेरती रहती है। आज हमारे घर में बूढ़ी माता है, बीमार है, कोई पानी का पूछने वाला, भारत की संस्कृति का वास होता है माँ के पास। आजकल पोत्र बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं माँ बाप को,
भारत की संस्कृति का रहा। अरे मंदिर का देवता अचल है, एक जगह रहता है, तुम्हारे घर में माता पिता चलते फिरते देवता, बोलो। और तुम्हारा घर का कितना ध्यान रखती है, बोलो। तुम्हारे माता पिता जितना ध्यान रखते हैं ना, और ध्यान रखने के लिए तुम नौकर रखते हो, हमारे घर का ध्यान रखे। और आज नौकर कम से कम 7-8-10 हजार बिगड़ नौकर रुपए बिगड़ नौकर नहीं मिलता है, और तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बोलो ना, कैसे तुम्हारे घर का ध्यान रखेगी, बिगड़ रुपए पैसे बिगड़ केवल रोटी में। आज तुम नौकर को रोटी में रखो नहीं रहेगा, जिंदगी में तुम्हारा ध्यान रखा, चलना फिरना बंद हो गया, फिर भी बेटे का ध्यान। और बेटा कुछ भी कह देवे, फिर भी माँ क्या कहती है, चाहे मेरे को कह दिया, जहां भी मेरा बेटा है ना, भगवान मेरे बेटे को अच्छा रखना, सुखी रखना, छोरा तकलीफ न पावे, स्वयं तकलीफ पा रही। आज ध्रुव क्या कह रहा है, माँ तेरे कारण भगवान का दर्शन पाए। आज तक कोई भी ऐसा भक्त नहीं हुआ जिसने माँ का तिरस्कार किया है, भगवान को प्राप्त किया। नंदा नाई धन्ना जाट सजर कसाई मीरा भाई नरसिंह मेहता चेता चमार कुंभा कुमार, ये पढ़े लिखे नहीं थे, केवल माता पिता की इन्होंने सेवा की, आज उनका नाम है। माँ को तुम हमेशा राजी रखो, माँ का तिरस्कार भूल के मत करना। शास्त्र तो कहता है माँ के आगे जोर से श्वास भी बोलो, पिता के आगे जोर से श्वास भी बोलो, नहीं तो भाई तुम चक्कू लेके चमड़ी उतार के, बोलो ना, जूती बना के दे दोगे तो भी माँ के ऋण से। अब आओगे तो कैसे होंगे, जब चमड़ी उतार के हम जूती बना के माँ को दे देंगे तो अभी ऋण से मुक्त नहीं, तो कैसे होंगे। माँ को राजी रखो, माँ राजी कब होती है, और माँ को राजी रखने में कोई महाराज घाटा नहीं है, बहुत न पाए। नेम ले लो, भोजन का समय होना, भोजन का उस समय धीरे से माँ से कह दो, माँ तुमने चिमन घाल, आ माँ बड़ी राजी हो जाएगी। दाल में घी अलग, बोलो, सूरमे में घी माँ खिलाएगी, और थोड़ा सा तुम हम ज्यादा खा लेंगे माँ पड़ोसी के घर उड़ जाएगी, भाइयों आज नहीं राधे श्याम, थोड़ा टुकड़ो थोड़ी है, देखो ज्यादा खाते ही माँ राजी होती है। और माँ जैसा भोजन तुमको होटल के अंदर, वो कौन होता, मेरे को नाम नहीं आ रहा, मेरा फिरा क्या होता है, वो भी नहीं खिलाएगा, पत्नी नहीं खिलाएगी। माँ घी भरा भोजन, दाल में घी अलग, और बोलो चूरमे में घी अलग। आज ही शाम को पत्नी से घी मांगना, मारा झटके, ते घी मत खाना था, भोजन उठ जाओ, ते घी मत खाना था, भोजन खा लू का टुकड़ा मारा, क्योंकि वो प्रेम से नहीं दे रही है, माँ प्रेम से दे रही है, माँ का दिया हुआ जहर भी अमृत बन जाता है महाराज, इतना बात समझ लो, थोड़ा नेम ले लो। आज ध्रुव को मार हृदय से लगा ले, ध्रुव बेटा आज मेरे साथ भोजन कर, देखो भोजन कराया। उतान बाद विचार करता है, ध्रुव ने तो 5 महीने भी दर्शन कर दिया और मेरे को 55 वर्ष हो गए। उतान बाद जंगल में गया, ध्रुव राजा बना, उत्तर दिशा की लड़की ऐरावती से विवाह किया, और फिर मत्सर कल्प नाम के पुत्र उत्पन्न किए। एक दिन ध्रुव तपस्या कर रहा था, विमान आया, ध्रुव को विमान ले गया ध्रुव लोक में, ध्रुव ने ध्रुव लोक प्राप्त किया।
ध्रुवे के वंश में बड़े बड़े राजा महाराज विराज हुए, पृथ्वी जैसा अवतार हुआ, जिन्होंने भगवान की कथा के लिए 10,000 कान मांगे, भगवान की कथा सुनी। और ध्रुवे का चाचा प्रियव्रत हुआ, प्रियव्रत भागवत उत्तान बाद और प्रियव्रत की कथा। उत्तान बाद के वंश में भक्त ध्रुव हुआ और पृथ्वी भगवान ने अवतार दिया, तो प्रियव्रत के वंश के अंदर भक्त जड़व्रत हुआ, बोलो, और ऋषभदेव ने अवतार दिया। जड़व्रत की कथा भागवत में आती है। जड़व्रत बड़ा ज्ञानी था, जितेंद्रिय था, बुद्धिमान था, धर्मात्मा था। उसके बेटे का नाम सुमति था, ये प्रियव्रत के वंश में। सुमति को सिंहासन पर चढ़ा करके जंगल में तपस्या करने के लिए गया वो भरत। उस भरत की कथा सुनाता हूं जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। हमारे शास्त्रों में तीन व्रत हुए हैं। एक ऋषभ का बेटा व्रत हुआ है, एक दशरथ का बेटा व्रत हुआ है, एक दुष्यंत शकुंतला का बेटा व्रत हुआ है। इन्हें तीनों व्रतों के नाम से इस देश का नाम, बोलो ना, भारत पड़ा है। वो जंगल में क्यों गया? उसने विचार किया, मेरा पूर्वज ध्रुव है, बोलो, बाबे का बेटा, ताऊ का बेटा, भाई, मेरा पूर्वज ध्रुव जैसा जंगल में जाके तपस्या की, प्रियव्रत जैसे जंगल में तपस्या की, आग्निदरा और ऋषभ जो मेरे पूर्वज हुए हैं सब ने जंगल में जाके तपस्या की, अब मेरे को भी जंगल में जाके तपस्या करना चाहिए। कथा बड़ी अनुकरणीय है भागवत की। ये कथा हमको संदेश दे रही है कि जिस मार्ग पर पिता चलता है, जिस मार्ग पर पूर्वज चलते हैं, उसी मार्ग पर उनकी संतानें चलती हैं। पूर्वज जिस मार्ग, महाजनो ये न गतः सपंथा बताया, मार्ग वही अच्छा होता है मेरे भाई जिस मार्ग में हमारे दादे परदादे पिता चले हैं, उस मार्ग को मत छोड़ो। भरत विचार करता है, सबने, दादा ने, परदादे ने, पिता ने, सबने तपस्या की, मैं भी जंगल में जाके तपस्या करूं। मेरा पिता ऋषभ, ऋषभ जी का बेटा है भरत, ये ऋषभ जी से जैन धर्म चालू हुआ है। हाँ, उसका ऋषभ साक्षात परमात्मा, उनका विवाह, बोलो ना, इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ है।
और उससे भरत हुआ है। कथा बता रही है जिस मार्ग पर पिता चलता है उसी मार्ग पर पुत्र चलता है, ये नहीं मैं, हम पिता हैं। हर सवेरे उठेंगे 9-10 बजे, बेटों से कहेंगे बेटो सवेरे जल्दी उठा करो, बोलो, ये हो नहीं सकेगा, तेरा पिता तेरा पुत्र तेरा अनुकरण करेगा। हाँ सवेर ते उठते ही 5 बराग 7 बराग खेने कचरा झरदा, बोलो, और बेटो से बेटो रे 5 बराग मत खाना, ये कैसे होगा, तेरे तेरा बेटा तो तेरा अनुकरण करेगा। हम ताश खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और बच्चों से कहेंगे सत्संग में जाओ। हम अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, और बच्चों से कहेंगे दादी माँ को प्रणाम करो, बोलो होगा क्या, तेरा बेटा तेरा अनुकरण करेगा। और गांठ दे लो इस बात की कि पिता का अनुकरण हमेशा पुत्र करता है, सास का अनुकरण हमेशा बहू करती है। जिस मार्ग पर सास चलती है उसी मार्ग पर बोलो ना बहू चलती है। हम अपनी सास की सेवा करती नहीं है और बड़ी राजी हो रही है, मारो राधे श्याम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पूरी, आज जैसी विवाह हुई भी नहीं हमारे तुम्हारी सेवा करी, ओ करी तुम्हारी सेवा तय घड़ी करी नहीं, बोलो ना। अब यदि हमने अपनी सास की सेवा की है, हमने अपने ससुर की सेवा की है, हमारी बहू आएगी तो बोलो ना हमारी सेवा जरूर करेगी। और हाँ भी यदि सास की सेवा नहीं की है, सपना मत ले लेना, बोलो, एक कन्या थी विवाह हुआ, पिता ने आशीर्वाद दिया बेटी ससुराल जा रही है, एक ध्यान रखना ससुराल में। कहा पिताजी क्या, कहा अब अपने पिता के घर का रिवाज तुम्हारे ससुर में नहीं चलेगा। पिता ने क्या कहा बोलो ना, पिता के घर का पियर का रिवाज तुम्हारे शास्त्र में नहीं चलेगा बेटी, अब तो तेरी सासु का अनुकरण करना, सासु वाला रिवाज ही तेरे ससुराल में काम आएगा, बोलना पियर वाला, क्योंकि विवाह होते ही गोत्र भी बदल जाता है, बदलता है ना, पिता के घर और गोत्र है, और विवाह होते ही महाराज देवता भी पलटते हैं, पलटते नहीं है, पिता के घर में कोई भैरू जी थे और जय ही सास से जाएगी बोलना भैरू जी पलट जाते हैं, और पिता वाले भैरू जी के धोख लगाएगी कि सासरे वाली भैरू जी के, बोलो, इस वजह से पिता ने कह दिया तो तेरी सासु का अनुकरण करना, जिस रास्ते पर सास चले उसी रास्ते पर तू चलना, रिवाज सासरे भी छोड़ना मत, मेरा आशीर्वाद है। महाराज सास रे आई, ससुराल में सास भी है ददिया सास भी है, और ददिया सास को महाराज बहू को 3 दिनों से पता चला, वो 3 दिन बाद में घर से निकली ना, एक कोने में झोंपड़ी है, झोंपड़ी, और झोंपड़ी में एक बूढ़ी बैठी हुई है बुढ़िया, वो बहू दौड़ के सासू के पास आई, सासू जी ये बाहर कोने में झोपड़ी में कौन बैठी हुई है बुढ़िया, सास ने कहा बीनरी ये मेरी सास है तेरी ददिया सास, बोलो ना। बहू ने विचार किया सब घर में है, बिचारी ददिया सास झोपड़ी में है, तो कम से कम पोते की बहू आई हूं भोजन तो कराऊं, नहीं तो इसको क्या मालूम मैं पोते की बहू, हाँ रसोई में गई थाली में दाल चावल कड़ी भात फुलका अचार लेके थाली लेके निकल रही है बुढ़िया ददिया सास को भोजन कराने, इतने में सास देखती है और बहू से क्या कहती है, भीगनी ए भीगनी, हाँ बहू कहती है बोलो सासु जी ये थाली लेके कहाँ जा रही है,
सासु जी ददिया सास को भोजन कराने जा रही हूँ। अरे बेटा उस बुढ़िया को थाली में भोजन, तेरे को सफाई करनी पड़ेगी बेटिया, ऐसा कर उसके लिए ठिकरियां लाई हुई है। ठिकरियां बोलो, ठिकरी जानते हो ना, ठिकरी में डाल दे खा लेगी, ठिकरी फेंक देना मांझनी नहीं पड़ेगी। सोरी ने विचार किया, पिताजी ने कहा था तेरे सासरे में सासू का अनुकरण करना, शायद हमारे ससुराल में रिवाज है कि पोते की बहू आती है तो दरिया सास को ठीकरी में, ये रिवाज है भाई, ठीकरी में भोजन करा दिया। बहू बहुत शत्रु थी, वो ठीकरी को फेंका नहीं, झोपड़ी के कोने में चिरना चालू किया। दो तीन महीने हो गए सास बाहर निकली, महाराज झोपड़ी में ठीकरी छिड़ी हुई है ढेर। सास कहती है, बहू रानी आई, बोलो ससुर जी। अरे इस बुढ़िया की झूठी ठीकरियां बेटा इकट्ठी क्यों की है, बाहर फेंक दी। बहू ने कहा, देखो ससुर जी, मैं मेरे पैर से रवाना हुई थी, मेरे पिता ने एक ही आशीर्वाद दिया, ससुराल की रिवाज मत छोड़ना, सासू का अनुकरण करना। सासू जी इस घर की रिवाज है, पोते की बहू आती है तो ददिया सास को ठीकरी में भोजन कराती है, मैं आपकी रिवाज छोड़ूंगी नहीं। ये झोपड़ी खाली होने वाली है, ददिया सास शमशान में जाने वाली है, और इसी झोपड़ी में आपका नंबर आना वाला है, आपके पोते की बहू आएगी, इन्हीं ठीकरियों में आपको भोजन। मेरे भाई, सास का अनुकरण बहू करती है, बहुओं से सेवा तुमको लेनी है, भागवत में बैठ के निश्चय कर लो, हम अपनी सासों की सेवा करेंगी तो बहू हमारी सेवा करेगी, हम पिता की बात को स्वीकार करेंगे, पिता का अनुकरण करेंगे तो हमारे बेटे हमारा अनुकरण करेंगे। देखो भरत को देखो, प्रिय भरत जंगल में गया, ऋषभ जंगल में गया, भरत भी जंगल के अंदर देख रहा है एक सिंह आ रहा है अरणी के पीछे, आया था भगवान का भजन करने, सिंह को देख रहा हरणी आ रही है दौड़ी, वो भरत विचार करता है, बिचारी हरणी संकट में है, हरणी विचार करती है पीछे जाऊंगी सिंह खा जाएगा, आगे जाऊं तो नदी है गंडकी नदी, जिनके सालग्राम बहुत अच्छे होते हैं, हरणी विचार करती है यहां से छलांग लगाऊं उस किनारे चली जाऊंगी तो हाथी नहीं आऊंगे, जोर से छलांग लगाई, पेट का प्रसव नदी के बीचों बीच गिर गया, हरणी उस किनारे पर जाके बोलो ना हरियो तसत मर गई। ये दृश्य किसने देखा, भरत जी ने देख लिया, भरत जी को महाराज दया आई, हरणी के बच्चे को उठा लिया, विचार किया इसकी मां मर गई, गोद में बिठा लिया, गोद में बिठाया तो ठीक है, मन में बिठा लिया, आए थे मन में परमात्मा को बिठाने, बैठ गया पशु, और एक बात निश्चय करना, मन में बिठाना सरल है, मन से निकालना बहुत भारी कठिन है, मन में जल्दी सी बात तुम्हारे हमारे बैठेगी नहीं, और बैठने के बाद बोलो ना निकलेगी नहीं, भजन पाठ छूट गया, पशु बैठ गया, हरणी का बच्चा बड़ा भाई एक दिन हिरणों के झुंड में 9-2-11 हो गया। अब भरत जी क्या करते हैं, ममता बहुत हिरण से हो गई, ममता करनी थी परमात्मा से, ममता हो गई पशु से, परमात्मा की ममता सुखदाई है, और किसी जगत के मनुष्य या पशु की ममता बहुत दुखदाई है।
और चिंतन करना था परमात्मा का, चिंतन हो रहा है बोलो ना पशु का। मरते समय पशु याद वो आ रहा है हिरण, निश्चित कर लेना अंत समय में वही बात हमको मरते समय याद आएगी जो बात हमने मन में बिठाई है। अंत में वही मन की बात ही याद आती है। और अंत मति शागति, और अंत समय में जो बात आती है वही हमारी तुम्हारी गति होती है। अंत समय में कौन याद आया? अरणी का बच्चा, इसलिए हिरण बनना पड़ा। क्योंकि जो मन में बैठा, यदि हमने मन में धन को बिठाया है अंत समय में धन याद आएगा, सर्प बनना पड़ेगा। यदि हमने मन में चोरी बिठाई है अंत समय में चोरी याद आएगी, दूसरे जन्म में चूहा बनना पड़ेगा। यदि हमने मन में जारी बिठाई है तो अंत समय में वो ही बात याद आएगी जो हमने मन में बिठाई है। जारी को याद करते ही कुत्ता कुत्ती बनना पड़ेगा। और हमने मन में पत्नी को बिठा रखा है और अंत समय में पत्नी याद आ जाएगी ना, दूसरे जन्म में साड़ी पहननी पड़ेगी, साड़ी महाराज स्त्री बनना पड़ेगा। और मन में यदि हमने परमात्मा को बिठाया है तो बोलो ना परमात्मा से मिलन हो जाएगा। मन में बिठा थोड़ी भजन की मात्रा बढ़ाओ, हर चीज की हम मात्रा बढ़ाते हैं बोलना। पहले 5 साड़ी थी, मात्रा बढ़ते बढ़ते 25 साड़ी में कर दी, साड़ियों की मात्रा बढ़ाई। पहले 5 कमीज थे, अब हमारे 50 कमीज पैंट शूट कोट हो गए, ये तो मात्रा बढ़ गई। भजन की मात्रा बढ़ी या नहीं? भोजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, भोजन की मात्रा दुखदाई है, भजन की मात्रा सुखदाई है। भोजन की मात्रा भी मत बढ़ाओ, ज्यादा भोजन मत खाना हो, भजन मात्रा में उसको बढ़ा देगा। युक्त हर विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगर्भवति दुःखः। यदि तुमने आहार ठीक नहीं किया है तुम्हारा शरीर ठीक, कोई सोचे ज्यादा खाऊं बलवान हो जाऊं, नहीं नहीं, छोटे छोटे ग्रास 32 दांत से चबाओ, 32 बार चबाओ। और जितना तुम चबा के खाओगे ना उतने ही कम मात्रा में अन्न से तुम्हारा पेट भर जाएगा। बोलो, जितना चबा के खाओगे और शरीर बड़ा निरोगी होगा, शरीर को निरोग, यदि तुम्हारा शरीर निरोगी है तो तुम भजन की साधना कर पाओगे। यदि शरीर निरोगी नहीं है तो भजन कहां से कर पाओगे? शरीर निरोगी है तो 4 घंटे बैठ सकोगे, 4 घंटे बैठने की साधना कम नहीं है वो। 4 घंटे देख रहा हूं, कोई किसी के आंख में नींद नहीं आ रही है, देखो 4 घंटे तक साधना, बहुत भारी पितरों की कृपा है, बहुत भारी परमात्मा की कृपा है कि तुम 4 घंटे बैठे हो। घर में आधी घंटा बैठ के पला की मार के देखना, बीन नहीं है गुड़ गुड़ दुख है, बीन नहीं गुड़ गुड़ या कहा गया, कौन तुमको शक्ति दे रहा है ये कथा सुनने की, ये कहां से आई तुम्हारे पास शक्ति? युक्त आहार करो, भजन की मात्रा बढ़ाते रहो, बढ़ाते मन तुम्हारा पवित्र होगा तो परमात्मा तुम्हारे मन में बैठेंगे। धन की मात्रा बढ़ाते रहेंगे मन में धन बैठेगा मामला, मन में धर्म को बिठाओ, धर्म को।
हमको धर्मार्जन करना है, धर्म का बेटा। महाराजन समय में हिरण को याद किया ना, हिरण बन गया। अब दोनों जन्म पहले का याद है, वजन से सुखा पत्ता खा के गए। ओ नारायण हरे नमः ये बोल करके उस भरत ने शरीर छोड़ा। तीसरे जन्म में वो एक आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर जन्म लिया। नौ उसके भाई थे, दसवा वो भरत जन्मा। उस समय उसका नाम बोलना जड़ भरत रखा। क्या नाम रखा? जड़ भरत। जड़ भरत बड़ा ज्ञानी है, दोनों जन्म याद है, लेकिन वो विचार करता है अब ब्राह्मण का शरीर मिल गया और अच्छा वर्ण मिल गया, अब ममता नहीं करनी है, मुंह की तरह ले रहा है। नौ भाई बाबिया थी, माता पिता मर गए, बाबियों ने जंगल में भेज दिया। उसी जंगल में काली का मंदिर है जहां जड़ भरत बैठा है। एक चोरों का सरदार है, उसके कोई बेटा नहीं हुआ, वो आके काली से प्रार्थना करता है, भगवती काली मेरे बेटा जन्म जाएगा, मैं आपको नर बलि चलाऊंगा, मनुष्य की बलि चलाऊंगा। भगवती की कृपा से चोरों के सरदार के बेटा जन्मा। वो नर बलि बोली हुई थी, एक मनुष्य को पकड़ करके बोलना जंगल में ले गए। उस मनुष्य को पता चला और ये सब चोर हैं और मेरी नर बलि चढ़ाएंगे। वो अपनी जान बचाने के लिए आगे भगा, चोर पीछे भगे, वो तो दौड़ गया और वहां पर मंदिर के पास में बोलना जड़ भरत मिल गया। बोलो कौन मिला? जड़ भरत। जड़ भरत को उठा लिया और कहा चल मंदिर में, चल मंदिर में ले गए। कहा चोरों के सरदार से, महाराज वो तो चला गया, हम इसको लाए हैं। आहा, चोरों का सरदार कहता रे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो तो कमजोर था, उसके शरीर में खून ही नहीं था, इसके तो खून से काली का खप्पर भर जाएगा। स्नान करा के भगवती के आगे अर्जुन व्रत प्रार्थना कर रहा है। अर्जी बाल क्या ही
ऐसी प्रार्थना कर रहा है, हे काली आज मेरे को चोर चोरों के सरदार मारेंगे, तू ही मेरी रक्षक है। महाराज चोर का सरदार आया और का काली के आगे बोलो ना माथा झुका ले, जड़ बर्तन माथा झुका लिया, तलवार को म्यान से निकाला, भगवती से अत्याचार सही नहीं हुआ, बोलना मूर्ति फाड़ करके बोले जगदम्बा मात की, चोर तथा चोरों के सरदार को मार दिया, गरम गरम खून का पान किया। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। तीसरे दिन की कथा है, भगवती काली के बलि चढ़ाओ, बोलो भगवती के बलि चढ़ाओ, भगवती के बलि मनुष्य की मत चढ़ाना, पशुओं की बलि चढ़ाओ, और वो भी पशु कौन से जो हमारे मन में बैठे उन पशुओं को आज तुम काट के भगवती के अर्पण कर दो। मन में काम पशु है, क्रोध पशु है, लोभ पशु है, मद पशु है, मत्सर पशु है, अविद्या पशु है, और निंदा सुली आज काटो। लोभ भी भयानक पशु है, मन में बैठा है, है? लोभ बड़ा भयानक, क्रोध भी भयानक, ये तीन पशु बड़े भयानक है तो ये छह सात काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर अविद्या निंदा चुगली, ये सात हैं, लेकिन सातों में बोलना काम बड़ा भयानक पशु, क्रोध बड़ा भयानक पशु, लोभ बड़ा भयानक पशु। एक बात बताऊं, काम को जीतना सरल है और क्रोध को भी जीतना सरल है, लोभ को जीतना बोलना लोभ को जीतना बहुत कठिन है। भागवत में कथा आती है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप प्रतिदिन चार चार हाथ बढ़ते थे, भागवत आती है, जन्म ले कितने बढ़ते थे हमेशा चार। तो आप कहोगे महाराज पर दर्शी का मैं रखा क्या, क्योंकि पहले दिन चार आते दूसरे दिन आठ हाथ हो गया, तो पहले दिन वाला तो कमी जी काम नहीं आए,
हिरण्याक्ष लोभ का अवतार है, हिरण्यकश्यप लोभ का अवतार है, काम को जीतना सरल, क्रोध को जीतना सरल, लोभ प्रतिदिन चार चार हाथ बढ़ता है। भगवान राम ने अवतार लेके काम रावण को मार दिया, ये भी शरीर में रावण भी है, ये काम है, इसको तो भगवान राम ने एक अवतार लेके मार दिया। भगवान कृष्ण ने अवतार लेके क्रोध शिशुपाल को भी मार दिया, शिशुपाल क्रोध है, वो रावण भी हमारे शरीर में है, तो बोलो ना, शिशुपाल भी हमारे शरीर में है, ये क्रोध, क्योंकि शिशुपाल ने क्रोध में आके भगवान को 100 से ऊपर गाली काट ली, तब भगवान ने चक्र चला के शिशुपाल को मारा, एक ही अवतार है। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बोलना लोभ के अवतार है, इनको मारने के लिए भगवान को 2 अवतार देने पड़ेंगे, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए 1 ही अवतार, काम को राम का, शिशुपाल दंतवक्त को मारने के लिए 1 ही अवतार कृष्ण का, लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारने के लिए 2 अवतार, हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 का अवतार, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बोलो नरसिंह का अवतार, लोग मरना कठिन है, चार-चार पड़ता है, 90 वर्ष की दादी माँ है, बोलो कितने 90-95 वर्ष की, काम खत्म हो गया, क्रोध भी बोलो ना भाई, अब क्रोध करेंगी तो बुए रोटी नहीं देगी, खत्म करना पड़ा, लेकिन 95 वर्ष की दादी माँ का लोभ छुटा गया, इतनी बड़ी सभी तांगड़ी में बंधी हुई है, लोभ को मारना बहुत कठिन है। कभी होली दिया क्या है ना, दादी माँ कहते बिंदनी बिंदनी कहती है, बोलो क्या बात है ससुर जी, मारे संदूक ले आ बेटा, बहू कहेगी संदूक में से निकालना क्या, चाबी दो ना मेरे को, मैं निकाल दूं, जट कहेगी ना भाई रे चाबी तो जीव जत तक नहीं को देना, अरे एक बात कह दे तो माता बहन चाबी जीव जत तक किसी को देना ही मत, चाहे संदूक में ईटी रख लेना महाराज, बंद मुट्ठी लाख के खुलते ही खाके हो जाएगी, चाबी रखना हो ये लोग का कोई माप नहीं है, हर चीज का माप है, तुम्हारे माथे का माप पगड़ी निश्चय कर देगी, टोपी निश्चय कर देगी, तुम्हारे शरीर का माप बोलना कमीज निश्चय कर देगा, तुम्हारी कमर का माप बेल्ट निश्चय कर देगा, तुम्हारे पैरों का माप जूता निश्चय कर देगा, लोग का माप है क्या, लोभ तो प्रतिदिन चाचा हाँ, लोभ को जीतना, एक किसानों का गांव था जालीराम, किसान एक मुख्य था, उसके कोई बेटा नहीं हुआ, तो वृद्धावस्था में क्या किया, बेटा जन्म गया, तो बेटे की बधाई में हर घर में 5-5 लड्डू बादाम के बांटे, कितने कितने बोलो, 5-5, उस गांव में एक पंडित पंडतानी रहते थे, लोग की कथा बता, 5 लड्डू चले गए, खाने वाले 2 है, लड्डू कितने आ गए, 5, पंडतानी के लोग बड़ा, स्वामी पंडित जी आप तो सब जगह जाते आते हो, आपको खाते ही रहते हो, आज 3 लड्डू मैं खाऊंगी, 2 आप खाना, पंडित कहता नहीं मेरे को कितनी बुद्धि खर्च करनी पड़ती है श्रोताओं को समझाने के लिए, 3 मैं खाऊंगा, 2 तुम खा, 3-2 का झगड़ा हो गया हमारा, 1 लड्डू का लोभ बढ़ गया। हाँ एक बात और सुन लेना, हमारे ब्राह्मणों के घर में धन का कभी झगड़ा नहीं होता, हमारे ब्राह्मणों के घर में खाने का ही झगड़ा होता है,
तीन मैं कहूंगी। पंडिता जी बड़ी चतुर होती है, उसने कह दिया सुनो मैं एक निर्णय करते क्या, जो पहले बोलेगा लड्डू दो खाएगा, पीछे बोलेगा लड्डू तीन, एक दो तीन चुप। महाराज दोनों बैठे हैं, पहले खाएंगे तो बोलना दो, पीछे खाएंगे तो तीन। बोले पंडित भी नहीं, बोले पंडितानी भी नहीं, जैसा नागनाथ वैसा शर्मनाथ। सूर्य अस्त हो गया, रात में भूख लगी है, करवट बदल रहे हैं, लेकिन पहले बोलेंगे तो बोलना दो, पीछे बोलेंगे तो तीन। सवेर हो गए, चौबीस घंटों से भूखे बैठे हैं, एक लड्डू का लो। किसानों का गांव था, सारे किसान खेत में चले गए, गांव भर में पांच किसान थे, विचार किया पंडित जी से मुहूर्त निकाल के लावे। अब पांचों गए और जो दरवाजे का शब्द सुना दिया, और उसी समय पंडित जी विचार करते अब तो इनको बोलना ही पड़ेगा, और ये बोलेंगे पहले तो तीन लड्डू मेरे को। पंडित जी को महाराज एक क्रिया आती थी, एक क्रिया होती है, वो ये दक्षिण पैर होता है ना, दाहिना पैर, इसके एक अंगूठे के पास एक छोटी सी नाड़ी होती है, उस नाड़ी को ऐसे बंद करो, ये मंत्र बोल दो, योग जागृतो दूरमोदय तिलय बनता है, दुसुतस्य पतयः वै तिलय दूरंजय मन ज्योतिषां ज्योतिरेकंदन में मनः शिव संकल्पमस्तु। ये करते ही नाड़ी बंद हो जाती है, वो शरीर की सारी नाड़ियां, लेकिन कोई दूसरा बोलेगा ना सुन भी जाता है। महाराज पंडित जी ने नाड़ी बंद कर दी, वो क्रिया पंडितानी को बता रखी थी महाराज। ओ बोले अरे पांचों बजे पंडित जी को पंडित भी सुन रही है, उसने भी अपनी नाड़ी बंद कर दी। पांचों ने विचार किया क्या बात है, दरवाजा खुला है, अंदर गए, आगे देखा नाड़ी देखे दोनों की नाड़ी रुकी हुई है। आहा, पांचों कहते देखो बिचारे कितने धर्मात्मा पुण्यात्मा है, मरे तो भी दोनों साथ में मरे। तो पांचों कहते हैं क्या करें, करें क्या, इनके आगे पीछे तो कोई था नहीं, अपने ले चलो शमशान का अर्थ एक बनाओ एक दो का एक में ले लो ना। महाराज दोनों पति पत्नी को अर्थ में वो कपन और रस्सी लगे महाराज, गुड्डे दर्द हुए, लेकिन पहले बोलेंगे तो बोलो दो, पीछे बोलेंगे तो तीन। चार ने उठाया तो पंडित ऐसे अंगुली लगाता है, अब तो बोल जा, वो भी कहे पहले बोलो आप, वो भी अंगुली लगा, एक जन ने अंगुली ले ली, चारों ने ले लिया, सब सामने ले गए, लकड़ चीर दिया, लेकिन बोले नहीं, लोभ आ गया एक लड्डू का। शमशान में कितने जने हैं बोलो, पांच ही जने हो। जाए आग लगाई चीता में, आग लगते पंडितानी जी के केस जलने लगे, पंडितानी बोली है अरे मैं तो दो खाऊंगी, मैं दो खाऊंगी। पंडित बोला मैं तीन खाऊंगा, मैं तीन खाऊंगा। वहां जलाने वाले पांच ही थे, उन्होंने विचार किया ये होगी भूतनी, ये हो गया भूत, दो को ये खाएगी तीन को। आगे आगे पांचों भग रहे हैं, और पीछे पीछे पंडितानी कहती है दो खाऊंगी, पंडित कहता तीन खाऊंगा। घर आए, घर सुना था लड्डू तो कुत्ते खा गए, अधिक लोग करोगे मामला बोलना गड़बड़ है, लोग अधिक मत करो, धन में थोड़ा दान का निष्ठा रखो, दान का कुंडिये में पानी आता ना, कुंडे एक पानी आने का नाला होता है, दूसरा निकलने का होता है, उसको क्या कहते हैं निष्ठा। अब कोई सोचे बाहर निकलने वाले पानी को या नाले को मैं रोक दूं, और जो रोक दोगे तुम्हारा सारा कुंड फट जाएगा, ऐसी तुम धन का संग्रह संग्रह करोगे और धन में दान का निष्ठा नहीं रखोगे तो सारा ही धन बोलना। यदि तुमने धन में दान का निष्ठा रख दिया, एक तरफ से पानी आ रहा है, एक तरफ से निष्ठा से निकलता है, कुंड खाली होता ही नहीं है, बोलो ना है बराबर पानी। ऐसे माताओं बहनों धन में निष्ठा रखना, कल क्या है नंद उत्सव है, नंद उत्सव
हमारी गोरक्षण समिति ने एक गाय का 11,000 रुपया, 12 महीने घास का 11,000, अधिक से अधिक संख्या में कल 900 में लिखाओ। प्रजातीत समय का कल, प्रजातीत किसका नाम है? जब भगवान जन्मते हैं ना प्रजातीत, उस प्रजातीत का मातम भागवत में बताया। प्रजातीत में कोई दान करता है ना, उसका लाख गुना फल मिलता है। दान का कितना मिलता है? यदि तुमने प्रजातीत में 1 रुपया किया है, 1,00,000 रुपए का दान, और यदि तुमने प्रजातीत में 1 गाय का दान किया है, बोलना 1,00,000 गायों का दान, यदि तुमने प्रजातीत में गायों के लिए एक स्वामणी बोली है, तो कितनी स्वामणियों का फल मिलेगा बोलो? अरे स्वामणी का रुपया कितना है? 2,500। उस प्रजातीत में बोलना है आपको। प्रजातीत किसको कहते हैं? बालक जन्मता है जब तक नाल नहीं कटती, उस समय का नाम बोलना अकल। भगवान जन्म उस समय प्रजातीत चलेगा। और बताओ प्रजातीत, गाय ब्याती है और बछड़ा लाती है, आधा बछड़ा उसके पेट में है आधा बाहर है, उस समय कोई एक गाय का दान कर देता तो लाख गायों का दान का फल मिल जाता है। हमारी भागवत में प्रजातीत आता है। आप कहोगे महाराज हम गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह वो प्रजातीत किसका नाम है? वो जगह विशेष का नाम नहीं है, प्रजातीत समय विशेष का नाम है। बच्चा जन्मता है नार जब तक नहीं कटती, उस समय का नाम प्रजातीत है। यदि तुम प्रजातीत में गायों के लिए बोलना 1 गौदान करोगे 11,000 की, तुमको फल कितना मिलेगा बोलो? 1,00,000। एक स्वामणी का बोलोगे गायों के लिए प्रजातीत में जिस समय भगवान जन्मे उस समय बोलना 1,00,000 स्वामियों का फल मिलेगा। हमारी भागवत में 4 जगह प्रजातीत आता है। एक तो भगवान जहां जन्मते हैं ना जिस समय उस समय प्रजातीत, एक गिरिराज को जस भगवान उठाएंगे उस समय का नाम प्रजातीत, एक रुक्मणी का विवाह होता है ना उस समय भी कोई दान करता है कन्यादान के लिए गोदान, उस समय भी प्रजातीत, एक गाय का बोलना कितना 1,00,000। सोता प्रजातीत है जब परीक्षित मुक्त होता है, उस समय भी दान का फल है। माताओं बहनों कल अधिक से अधिक गोदान करो, स्वामणी करो।